प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए हो ऐसी जोड़ी बन जाए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं श्वेता वेलकम कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तीज का व्रत आ रहा है, तो हम महिलाएं जो थे काफ़ी एक्साइटमेंट होते हैं जो हस्बैंड कुछ बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देंगे। यहाँ पर मेरे पति भी सुन रहे हैं, वो भी मेरे लिए शायद सरप्राइज रखे कुछ देंगे। तो सब एक्साइटमेंट होते हैं जो हमारे हस्बैंड क्या देंगे। तो हमारे पति देव जी तो पहले मुझे साड़ी वगैरह खरीद दिए थे, जो कि मैं प्रिपेयर करके रख चुकी हूँ, और बाकी देखती हूँ आगे क्या खरीद रहे हैं मेरे लिए। तो ये तो थोड़ा मैं हंसी मजाक कर दी। तो अभी आप लोगों को पता है हम सुहागनों के लिए कितना बड़ा पर्व है हरतालिका तीज की, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग कितना दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस बार जो हमारी हरतालिका तीज का व्रत पड़ रहा है वो 30 अगस्त को है। 29 को हम लोग नहा खा करेंगे, यानी कि नहा खा में करना होता है जो आप अपना नाखून वगैरह जो नॉनवेज खाते हैं, तो नाखून वगैरह हटा के नेल पेंट वगैरह लगाते हैं, पैर महावर लगाते हैं, फिर बाल सब धोते हैं, चूड़ी वगैरह जो लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह का वो हटाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ये ऐसे नहा खा करते हैं। लेकिन हमारे ससुराल में कुछ अलग तरीके से होता है, क्योंकि हम लोग नहा खा के रोज़ भी नमक नहीं खाते हैं, विदाउट नमक का खाना खाते हैं। और कल हो के तो सभी लोग निराहार 24 घंटे का फास्ट में रहते हैं, वो तो सब जगह ऐसे एक ही सेम तरीके से होता है। बहुत लोग शायद रात को पानी पी लेते हैं, बट हमारे तरफ ऐसा नहीं होता है। तो कल हो के व्रत में 16 सिंगार किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। हम 16 सिंगार में तो मंगल सूत्र हुआ, ढोलना हुआ, टीका है, नथिया है, इयररिंग है, तो ये सब तो सब कॉमन है। लेकिन हमारे पास वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो हम गोल्ड का बाहर में रह रहे हैं, गोल्ड का कुछ यहाँ रखे नहीं है। लेकिन जिनके पास है वो ये सब भी करे, और मेहंदी लगाना, नेल पेंट लगाना, पैर महावर, चूड़ी, हो सके तो आप सब नया लगाएं। और नहीं, अगर नहीं सक्षम है, नहीं होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है जो हाँ नया ही लगाना है। लेकिन इतना, और नया साड़ी वगैरह भी पहना जाता है, लेकिन इतना कोशिश कीजिए जो अगर साड़ी नया नहीं पहन पा रहे हैं आप, तो फिर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो नॉनवेज वगैरह जो कपड़ा पहन के नहीं खाए खाए होंगे, उसको शुद्ध से साफ करके उसको पहने। उससे भी नहीं तो शादी का जोड़ा पहन सकते हैं, उससे नहीं तो बनारसी साड़ी नहीं छुआता है, उसको आप धुलवा के उसको भी आप यूज कर सकते हैं अपना जैसा हो। और फिर बिछिया का कुछ विशेष महत्व होता है, बोला जाता है जो हर तीज पे एक नया बिछिया लगाना चाहिए सभी को। तो कोशिश करिए अगर हो सके तो बिछिया भी लगाइए अपने पैर में। और जितना चीज आप खुद सिंगार करते हैं, कोशिश करिए जो उसमें से कुछ सिंगार का कुछ हिस्सा जो है वो भगवान जी गौरी माता के सामने, मतलब पूजा वगैरह करके छू के फिर किसी पंडित जी को, पुजारी जी को दान दीजिए। नहीं हो सके, अगर आपके आसपास में पंडित पुजारी नहीं है, तो आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं, किसी बेटी को भी दे सकते हैं दान में। तो दान करने के लिए भी आप यही नेल पेंट हुआ, पैर रंगा है, नेल पेंट हुआ, फिर से मिरर है, कंघी है, सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है, और तेल पाउडर, ये काजल, मेहंदी भी बिल जरूर दान कीजिएगा। ये सारा आप, ये कुछ अगर हो सके तो साड़ी, नहीं हो सके तो ब्लाउज के कपड़े, कुछ भी कपड़ा भी दान करना चाहिए। तो अपने सक्षम के हिसाब से आदमी करते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है जहाँ दिखावा के लिए सब कर रहे हैं तो हम इतना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे इधर तीज का काफी महत्व है, और इस बार तीज का व्रत त्रयोदशी तिथि में मनाया जाता है। तो इस बार 3:55 से चतुर्दशी तिथि लग रहा है, तो बहुत पूजा करने का मतलब 2 मुहूर्त दिया गया है। एक आप सुबह 6:35 से 8:55 तक कर सकते हैं, जो कि सुबह का शुभ मुहूर्त है, और एक शाम को 6:05 से लेके 8:35 तक भी संध्या टाइम का शुभ मुहूर्त है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जिनके तरफ सुबह में होता है वो सुबह के शुभ मुहूर्त में करे, जिनके तरफ शाम में होता है वो शाम के शुभ मुहूर्त में करे। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, कोई भी व्रत आप करते हैं, तो जब तक आप नहा धोएंगे नहीं, तब तक हमारा व्रत स्टार्ट नहीं होता है।
तो कोशिश करें कि जो जिस दिन हमारा व्रत हो, बहुत लोग होते हैं जो लेट से नहाते जा रहे, चलो शाम को पूजा करना है तो मैं शाम को ही नहाऊंगी, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। सुबह सुबह जैसे आप डेली करते हैं वैसे सुबह नहा धो के भगवान का नाम लीजिए और फिर आपको शाम को पूजा करना है, फिर आप शाम में अच्छे तरीके से शाम को भी पूजा करिए, लेकिन सुबह में जरूर आप नहाइए, कपड़ा चेंज करिए, नहीं तो फिर आपका व्रत मतलब शुद्ध नहीं होगा। इसलिए अच्छे से शुद्ध मन से व्रत करने के लिए आपको सुबह सुबह सब कुछ करना पड़ेगा। और यही सब है, मैं जितना जानती हूँ उतना बताती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज मैं भी कहीं से सीख के ही आप लोग को बता रही हूँ। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट करके जाइएगा, ठीक ना। और कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, कुछ बुरा लगे तब भी कमेंट करिए, कोई नहीं। और चैनल को जो लोग पहली बार देख ले वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज व्रत जरूर करें। जो लोग पहली बार मतलब जिनका पहली बार शादी हुआ वो भी इस बार उठा सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, अच्छा है। और क्योंकि अगले इस बार मलिमास वगैरह नहीं पड़ा है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है अधिमास मलिमास जो होता है वो होगा, तो इसलिए इस बार व्रत उठाने का अच्छा अथी है, अच्छा लगा है, तो आप लोग जरूर व्रत करें। तो चलिए मैं भी जोरों शोरों से तीज की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है, भले ही दो दिन फास्ट में रहना पड़ता है लेकिन काफी अच्छा लगता है। दो दिन इसलिए क्योंकि एक रोज पहले नमक नहीं खाते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है विदाउट नमक का, और कल हो के तो फास्ट फास्ट होता है, तो लेकिन फिर भी काफी एक्साइटमेंट होता है, काफी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसी के साथ मैं विदा ले रही हूँ आप लोग से, फिर मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोग से। फिलहाल के लिए बाय बाय गाइस।